भी प्रशंसा करेंगे फिलिप मंथरा की वो थोड़ी होगी। वो हमको उस जमाने में कहते थे कि तुम में लीडरशिप की क्वालिटी है, तुमको बड़ा आदमी बनना है, भावुक हो गए आप। उस गरीबी की, उस समय की और परिस्थिति की आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, चूंकि उस जमाने में कोई आपकी प्रशंसा करने वाला इस तरह से नहीं मिलता था। जी, मेरे मनोबल को उसने बहुत ऊंचा किया, बढ़ाया। हम उनको कहें कि इस इतनी दूरी तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका है, हमारे जीवन को सुधारने में, बनाने में उनकी भी एक भूमिका है। उतने विद्वान आदमी को ये तथाकथित धार्मिक उन्माद फैलाने वालों ने पीट पीट कर हत्या कर दिया पिछले दिनों पाकुड़ में। ऐसा पीटा छाती उती पर चढ़ के कि वो बीमार हो गए और जाकर के दिल्ली में उन्होंने अल्टीमेटली दम तोड़ दिया। उनका लीवर चौपट कर दिया था, अंतड़ी पर चढ़ के ऐसे घूम गया था। और लोगों ने पूरे देश में नारा गूंजा, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बोफोर्स दलालों का राज बदल दो। इस नारे के साथ हम लोग कूदे थे साथ में। और बीपी सिंह के बारे में नारा लगा, राजा नहीं फकीर है देश का तकदीर। बताइए कहाँ से हैं? हम बताए तो कैसे, सर्टिफिकेट दिखाइए। तो हमको वहाँ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ा। हम लेके जा रहे थे कि देखिए मेरा सर्टिफिकेट है, मैं MLA हो गया हूँ। तो कोई कल्पना भी नहीं किए थे उस विधानसभा का मैं अध्यक्ष हो जाऊँगा। इस तरह से कई अफसर उस समय थे मेरे साथ जो हमको उनसे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। और एक समय भी आया कि उन लोगों को मेरे लिए इंतजार करना पड़ा। जी। यह है डेमोक्रेसी, यह है जनतंत्र, यह है लोकतंत्र। जिस दिन मैंने शपथ लिया है MLA का, उसी दिन से ही जब जीते हम लालू यादव जी के साथ चले गए। MLA फ्लैट में लालू जी ने जुलूस निकाला, उस जुलूस में भी मैं साथ हुआ विधायकों के साथ। जहाँ कहीं भी कोई बात हुई मैं लालू जी के साथ रहा। अब कोई पहचान कराना था, चूंकि मेरे ऊपर दूसरा भी छाप था जी। इसलिए कि हम दे रहे हैं लालू जी को वोट, तो ये हमने वहाँ क्लियर कर लिया। नतीजा हुआ, जब कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ तो लालू जी ने हमको मंत्री बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज, मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती। कहते हैं सफलता का फल किसी पेड़ पर नहीं लगता, उसके लिए व्यक्ति को कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत और कभी कभी जो है वर्षों का संघर्ष करना होता है, तपस्या करनी होती है, तब जाकर व्यक्ति को सफलता मिलती है और व्यक्ति शून्य से शिखर तक पहुंचता है और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है। तो पिछली कड़ी में हमने बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी से उनके संघर्ष की कहानी जानी थी। आज हम ये जानेंगे उनसे कि आखिर राजनीति में उनका प्रवेश कैसे हुआ और वो किस परिश्रम का नतीजा था। तो हमारे साथ बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, हम लोग की बातचीत पिछली बार अधूरी रह गई थी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि राजनीति में किस तरह से आप आए। आप एक समाज सेवी थे, तो फिर राजनीति में कैसे आए? देखिए, सामाजिक कार्य और समाज सेवा और राजनीति के बीच की जो रेखा है बहुत ही पतली रेखा है दोनों के फर्क को, और वो समझना पड़ता है। घटना है एक बार की कि होटल मौर्या जो देख रहे हैं जी, होटल मौर्या, उस समय हम लोग होटल मौर्या के गेट पर भी नहीं जा सकते थे। और ये माना जाता था 85 के दशक में
और किधर दशक में कि होटल मौर्या में तो भाई मामूली आदमी जा नहीं सकता है। तो मेरे मन में एक बात आई कि सामान्य आदमी क्यों नहीं जा सकता है, पैसा देकर जा सकता है। और उसी समय हमने पढ़ा था कि लंदन में भी कई भारतीयों को जो सूट पैंट में नहीं थे उनको होटल में जाने से प्रवेश निषेध किया गया था। और संयोग था कि उसके कुछ माह पहले स्वामी अग्निवेश जी ने दिल्ली में दिल्ली के 5 सितारा होटल में भी कुछ बंधुआ मजदूरों को लेके जाना चाहते थे चाय पीने के लिए, तो उनको रोक दिया गया, नहीं जाने दिया। तो हमने उनसे बात किया अग्निवेश जी से, हमको मेरी बहुत अच्छी उनसे मित्रता नहीं कहें, वो तो हमसे बड़े थे और अच्छे थिंकर थे, लेकिन वैचारिक उनसे हमारा मिलन जुलन बराबर होते रहता था। आज वो इस धरती पर नहीं है। उतने विद्वान आदमी को ये तथाकथित धार्मिक उन्माद फैलाने वालों ने पीट पीट कर हत्या कर दिया पिछले दिनों पाकुड़ में, जब भाजपा की वहाँ सरकार थी। ऐसा पीटा छाती उठी पर चढ़ के कि वो बीमार हो गए और जाकर के दिल्ली में उन्होंने अल्टीमेटली दम तोड़ दिया, उनका लीवर चौपट कर दिया था, अंतड़ी पर चढ़ के ऐसे घूम गया था जूता पहन के। लोग बहुत अफसोस है किस तरह से क्रांतिकारी वीर की हत्या की। और उनका दोष क्या था, अपराध क्या था? अपराध केवल यह था कि उन्होंने चुनौती दिया था शंकराचार्य को कि अगर हिम्मत है तो हमारे साथ शास्त्रार्थ करो, और तुम कहते हो कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो 5 मिनट के लिए केवल अपने मरे हुए माता पिता में से किसी को तो करा दो जिंदा, प्राण प्रतिष्ठा करा के 5-10 मिनट के लिए भी तो जिंदा कर दो। और पूरे देश भर में उन्होंने बंधुआ मजदूर के खिलाफ, बंधुआ मजदूरी प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया था। यह काबिले तारीफ था, जानने लायक था उनका। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित था उनके इस कार्यों को लेकर। और यही कारण था कि बंधुआ मजदूर एक सम्मेलन भी हमने किया था 88 में, बगल में लेडी स्टीफेंसन हॉल है जी। तो बंधुआ मजदूर का सबसे बड़ा सम्मेलन उस समय बिहार में बंधुआ मजदूर मुक्ति के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के उस समय पीएन भगवती रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, उनको हमने आमंत्रित किया था, तो वो नहीं आ सके। नहीं आए तो हमको उन्होंने कहा कि तुम ले जाओ, एक आदमी हैं जो अभी रिटायर किए, हम उनको बोलते हैं। तो जस्टिस डीए देसाई जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर किए थे उनको लेकर के वो आए थे, यहाँ आए थे लेकर के नहीं, उनको उन्होंने कहा। तो जस्टिस डीए देसाई बिहार में आए, पटना में एक दिन रहे और हमारे मीटिंग का उद्घाटन किया। और उस समय एक बंधुआ मजदूर के प्रथा के खिलाफ एक बहुत बड़ा वातावरण बना था देश में, बिहार से हो रहा था, तो ये सब एक अजीब सा वातावरण बन चुका था। और उस पर एक था फिलिप ब्लांशे जिसने एक फिल्म भी बनाया था जो पूरी दुनिया में चली थी, वो फिल्म बंधुआ मजदूरी प्रथा के खिलाफ का। और कई छोटी छोटी घटनाएं हैं जो आपको सुन करके भी वो घटना सब बहुत आश्चर्य लगेगा कि कैसे लोग थे। एक थे, क्या मांझी उनका नाम भूल रहा हूँ, वो वजीरगंज फतेहपुर के बीच में एक गांव है, उसी गांव के रहने वाले थे, वो कई वर्ष हो गए इसलिए थोड़ा सा मैं बीच में थोड़ा रहा हूँ। तो वो कहें हमको कि उदय बाबू जब ख़त्म हो गई तो कि हमारा चला जरा घुमा दा सचिवालय, कने कने मुख्यमंत्री बैठा थी उनको, तो उनको मैं अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया कि चला थोड़ा घुमा, देखा दे वो घरवा,
विधानसभा दिखाने के लिए बोले हुआ राजभवन मुख्यमंत्री यहाँ तुम उधर गए। तो साथ में हमारे हो गए कि राम बाबू यादव दानापुर के थे, एक्टिविस्ट थे, अब वो नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई है। वो था राम बाबू यादव जी थे, हम लोग तीनों आदमी चले। तो सब देखने उठने के बाद हमने कहा, उनसे पूछा कि चला अब कुछ नाश्ता उस्ता कर ले वाले, तो कल थी कि हाँ चला खबे। तो सचिवालय के पास जो दुकान सब है उसमें एक काला जामुन और एक सफ़ेद रसगुल्ला दोनों लिया, एक एक पीस, हम लोग तीनों आदमी। मांझी जी जो थे वो एक काटा उजला वाला खाए, एक काटा काला वाला जामुन खाए, काला जामुन। तो सरक गए खा के वो। तो राम बाबू यादव ने कहा कि लगा हवा कि दोनों लड़ गए खा जा के करी कबाऊ जल का। तो वो बोलते हैं कि हमरो इसने बुझा हुआ। अब इतना बड़ा हसीगा बना हमारे लिए कि हम क्या कहें। तो एक घटना तो ये आपको बता दिया उसमें। और ठीक जस्टिस डी ए देसाई आए तो हम लोगों ने वो आयोजित किया यहाँ बड़ा बंधुआ मुक्ति मजदूर सम्मेलन। तो मन में एक बात आई कि अब चलें पटना में भी, हम लोगों को होटल मौर्या में चलना चाहिए चाय पीने के लिए। हमने करीब 100 दलितों को, जिसमें मुसहर सभी समाज के लोग थे, महिला पुरुष, की चलो हम लोग पैसा देंगे और वहाँ चाय पिएंगे। उस जमाने में हमको मालूम हुआ कि 40 रुपया एक कप चाय के लगता है वहाँ। बहुत बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी रकम थी हम लोगों के लिए। तो हमने कहा चलो देखा जाएगा, चाय पियेंगे वहीं हम लोग। तो 2-3 हज़ार रुपया पॉकेट में कहीं कहीं से चरचंदा करके हम लोग सब लोगों से रख लिए थे कि चलो। लेकिन सब कोई हम लोग चलेंगे, कोई मुर्गी लेके चलेगा अपन, कोई कुत्ता लेके चलेगा, कोई सुअर लेके चलेगा, कोई चूहा लेके चलेगा, कोई बंदर लेके चलेगा। वो सब पाले हुए था तो सब अपना अपना, कोई बंदर लेके, कोई चूहा लेके, कोई सुअर के बच्चा ले लिया छोटा छोटा, सब लेके चले हम लोग। तो गए तो गेटे पर रोक दिया, कहाँ घुस रहे हो तुम लोग, हम की चाय पीने जाना है। तो फटा हुआ जिसका धोती है, फटा हुआ कुर्ता है, फटा हुआ पैजामा है, वो होटल मौर्या में चाय पिए। तो गेट पर जो उतरवारी गेट है आज के तारीख में भी, उसको बंद करने लगा था। हम लोग ज़बरदस्ती ऐसे अगर खोलने लगे तो जब खोलने की चेष्टा किए तब तक वो थाना वाला आ गया, गांधी मैदान थाना, बुला लिया उन लोगों ने। वो लोग आया, कहा कि आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं। तो कहा अरे भाई ये सार्वजनिक स्थान ना है भाई, यहाँ चाय पी सके कि ना हम नहीं पी सके बतावा। तो हमने चाय पी लाई लिखे आ जा ही दे न दे। और कृष्ण मुरारी एक उस समय के तत्कालीन छायाकार बहुत बढ़िया हुआ करते थे वो पूरा, और बाकी लोग भी थे, मीडिया के काफ़ी लोग थे, अब लोग बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था वो। तो अल्टीमेटली हम लोगों को पुलिस घुसने नहीं दी, वहाँ हम लोग बैठे रहे, नारा उरा लगाते रहे कि यह कैसी आज़ादी है, हम लोग पैसा दे के होटल में जाना चाहते हैं, तो हमको चाय नहीं पीने देने के लिए जाना चाहता है। तो बेसिकली ये बताना था देश, आप ये बताना चाहते थे देश को, दुनिया को, कि हमारे पास पैसा है लेकिन बावजूद इसके जाने नहीं दिया जाता है। वेशभूषा और शारीरिक वेशभूषा और जाति आधार पर अंदर नहीं जाने दिया, ये है फर्क गरीब और अमीर में, ऊंची जाति और नीची जाति में, ये बताने का असल मेरा अर्थ था वहाँ। तो नहीं जाने दिया। तो फिर हमने एक चांस लिया कि चलो अभी तो नहीं है जाने दिया, अब कोशिश करते हैं। तो होटल पाटलिपुत्रा में आ गए, यहाँ होटल पाटलिपुत्रा के पास आ गए गार्डिनर रोड पर। तो यहाँ भी खूब हंगामा हुआ, नहीं जाने दिया। तो हम लोग कहे कि अब चलो यार, ये सब कोई नहीं जाने देगा, सब कोई कोई सत्तू पिया चाय तो नहीं है मिला, अब सत्तू घोरो और सत्तू पियो, भुंजा उंजा खाओ जो है सो। उसके बाद फिर हम लोग डिस्पर्स हुए वहीं बैठक करके। एक घटना के रूप में केवल ये बताया आपको। तो उसी क्रम में इन सब घटनाओं के कारण
हमारी मुलाकात राजनीतिक पार्टी के लोगों से ज़्यादा हुई, विपक्ष के लोगों से, जिसमें नीतीश जी भी यहाँ रखते थे क्लब में। तो जोगिंदर सिंह एक सोशलिस्ट पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता थे, जिनकी एक्सीडेंट मृत्यु हो गई, फुलवाड़ी शरीफ के रहने वाले थे, कुर्मी जाति के थे, लेकिन हमारे धीरे धीरे करके बहुत अच्छे मित्र हो गए थे जोगिंदर सिंह, और बहुत अच्छी सोच थी उनकी, सोशलिस्ट थे। तो हमको कहें, अब रामप्रीत पाल थे एक फुलवाड़ी शरीफ के, रामप्रीत पाल थे फुलवाड़ी शरीफ में, करूरचक गांव है वहाँ के, और एक ब्रह्मपुर गांव है वहाँ के थे महेश सिंह दांगी, वो थे। फिर कुरकुरी के थे परमानंद सिंह, ये सब लोग पुराना सोशलिस्ट जमात था, जनता पार्टी का जमात था सब, सब लोग बैठते थे। ये सब लोग हमको लेके गए, विशेष तौर से पाल जी, महेश सिंह, और ये एक बार कर्पूरी ठाकुर जी से मिलाए इन लोगों ने हमको, जाबिर हुसैन साहब से मिलाए, और जाबिर हुसैन साहब से हमारी परिचय हो भी गई थी इसी बीच में, कि जब अरवल का कांड हुआ था जिसमें नक्सली के होने के आरोप में लोगों के ऊपर गोली चली थी अरवल में, वहाँ सी आर कासवान वहाँ के जिला पुलिस अधीक्षक थे, तो पदयात्रा निकाले थे जाबिर हुसैन साहब के नेतृत्व में, एक पदयात्रा निकली थी वहाँ अरवल से पटना तक की। तो उसकी व्यवस्था हमने, जाबिर हुसैन MLC थे और बिहार विधान परिषद के लंबे काल तक सभापति रहे, अच्छी सोच उनकी थी, और जनता पार्टी के ज़माने में वो स्वास्थ्य मंत्री भी थे। तो जाबिर हुसैन साहब ने से भी हम कोई लोग मिलाए, और उसी क्रम में लालू यादव जी से हमारी भेंट होती है। वैसे पहले ही भेंट थी यूनिवर्सिटी में, लेकिन मूलतः जो हमारी भेंट हुई उसी राजनीतिक क्रम में भेंट हुई, राजनीति के लोगों से 84 के बाद 84 के बाद। और उसके पहले मैं विदेश भी चला गया था, खैर विदेश यात्रा का वर्णन बाद में आपसे करेंगे जी। यह भी उसमें तो सब लोग जानते थे कि अच्छे सुजुबुध वाले हैं, अखबार उखबार में भी लिखते थे। तो 1985 के बिहार विधानसभा के चुनाव में कर्पूरी जी ने और जाबिर हुसैन साहब के प्रस्ताव पर, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन शायद जाबिर हुसैन साहब ही थे उस समय में, इन लोगों ने हमको दमकीपा पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए फुलवाड़ी शरीफ से टिकट घोषित कर दिया कि ये लड़ेंगे। तो मैं उस समय चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, फैक्ट ये। फिर हम लिया रामप्रीत पाल जी को, महेश बाबू को, परमानंद जी को, सब लोगों को लेके गए कि भाई हमको माफ़ कर दिया, हम चुनाव नहीं लड़े, हम काम करेंगे जी। आपके साथ रहेंगे। और गौतम सागर राणा थे, अच्छा जो मतलब अभी झारखंड में, हाँ झारखंड में गौतम सागर राणा थे ये सब लोग। तो हम कहे कि देखिए हम काम जरूर करेंगे, आप ही के साथ रहेंगे, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमको उससे मुक्त कर दीजिए। उनसे आरजू मिन्नत किया, फिर उन लोगों ने मान लिया, हमको उससे मुक्त कर दिया, हम चुनाव नहीं लड़े। लेकिन प्रारंभिक भनक वहीं से हमारी शुरू हो गई राजनीतिक भी, लेकिन राजनीति के तरफ हमारी बहुत झुकाव नहीं था। फिर 90 का चुनाव आ गया, उसके पहले बोफोर्स आंदोलन हो गया, बीपी सिंह ने एक तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बोफोर्स दलालों का राज बदल दो, एक नारा लगने लगा पूरे देश में, बिहार में भी लगने लगा। तो जो हमारे भी खून में जो था वो गर्मी, वो गर्मी उसकी ओर झुक गया, और ये लोग सब उसमें लगे हुए थे, चाहे लालू जी हों चाहे नीतीश जी हों, सब लोग इसमें लगे थे। तो मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता था दूर से, तो हम भी इस आंदोलन में ही घास टाके और आंदोलन के साथ हो गए, और इस आंदोलन के साथ हो गए थे हम, तो संस्था में थे उसके पहले, तो
त्रिपुरारी बाबू भी इसके संस्था को मजबूत करने में लगे, जो नवादा के कौवा कोल में ग्राम निर्माण मंडल है जहाँ जयप्रकाश बाबू रहते थे, उसके संस्थापक लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हैं जी। तो उसी संस्था के थे त्रिपुरारी जी, त्रिपुरारी सिंह जो उसके अध्यक्ष थे उस समय, वो उसमें शामिल हो गए थे। वो हमको बहुत मानते थे। आचार्य राममूर्ति जी थे जो खादी ग्राम के नाम से जमुई में एक बहुत बड़ी संस्था थी, और संयोग से जो 90 के लोकसभा का चुनाव हुआ, ये उस चुनाव के समय में कांग्रेस से रिजाइन किया बीपी सिंह ने जी। और उन्होंने ही नारा दिया था बोफोर्स कांड का, जैसे यहाँ राफेल कांड भी हुआ है उसी तरह से बोफोर्स कांड हुआ था, और लोगों ने पूरे देश में नारा गूंजा, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बोफोर्स दलालों का राज बदल दो। इस नारे के साथ हम लोग कूदे थे साथ में उसके खिलाफ, और बीपी सिंह के बारे में नारा लगा, राजा नहीं फकीर है देश का तकदीर, याद रखिएगा आप। तो उस आंदोलन में हम लोग भी साथ हो गए, तो थे कांग्रेस पार्टी के, तो उनको जो समर्थन किया नॉन पॉलिटिकल पार्टी के लोग, सबसे पहला समर्थन उनको दिया बीपी सिंह को, जो आचार्य राम मूर्ति जी ने दिया और त्रिपुरारी सिंह ने दिया। और उसके बाद कर्पूरी जी, देवीलाल जी उस समय थे, सब नेता उसके साथ जुट गए, देश के जितने भी विपक्षी नेता थे सब उस आंदोलन में जुट गए, इवन बीजेपी वगैरह के भी लोग सब शामिल हो गए उसमें। तो संयोग से कांग्रेस की सरकार बदल गई, लेकिन बदलने के पहले का हाल बता दें आपको, सरकार बन गई, 90 में लोकसभा का चुनाव हुआ, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए। तो बीपी सिंह को तो वोटर एमपी नहीं था, वोट में बहुमत था जी। देवीलाल जी के साथ जान लीजिए, संसदीय दल की बैठक में नेता चुने जाते हैं देवीलाल प्रधानमंत्री के लिए, वो अपनी पगड़ी दे देते हैं, लेकिन जब वोट लेने का समय आया, उस समय जब फोटो हो रहा था, तो देवीलाल जी ने अपनी पगड़ी को पहना दिया बीपी सिंह को, और कहा कि मैं नहीं लूंगा प्रधानमंत्री का वोट। क्या क्या कितना बड़ा त्याग था ये समझ लीजिए आप, क्या देवीलाल जी थे, और बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। चूंकि आम जनता में पहचान इनकी भी बहुत मजबूत हो गई थी बीपी सिंह का, और उन्हीं के नाम पर यह आंदोलन मजबूती से चला, सब लोग साथ थे, लेकिन एमपी सब का समर्थन बहुमत देवीलाल जी के साथ था जी। और उसके बाद ही फिर 89 में ही चुनाव हुआ 89 में, और 90 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। उस समय 90 में ये 90 के बिहार विधानसभा चुनाव के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड थी, संसदीय बोर्ड, उसके शायद मेंबर थे या अध्यक्ष थे, ये हम बोल रहे हैं खादी ग्राम के आचार्य राममूर्ति जी, और सारी बैठकें भी उधर ही आचार्य राममूर्ति जी के साथ हो रही थी वहाँ। तो आज लेकिन ये लोग बहुत ईमानदारी से सब जो कहते थे डिसाइड करते थे हाँ। तो एक जमात थी जो लालू जी की थी, नीतीश जी की थी, शरद यादव की थी, ये एक ग्रुप था जमात, बाकी और भी अजीत सिंह थे अलग अलग, यूपी का ग्रुप अलग था हाँ, यूपी का ग्रुप अलग था हाँ, सब अलग अलग जमात थे अपने अपने स्टेट के। तो 90 में 6 सीट मिला आचार्य राममूर्ति जी को, जो संस्थाओं से या बाकी लोगों से आया था, तो उन लोगों ने एक हमको चुना था। फिर इसी जमात से कमल पासवान जी बने थे, मुजफ्फरपुर में मुसहरी से खड़ा हुए थे, फिर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ
एक और थे उम्मीदवार, सब ऐसा ही ऐसा सीट दिया गया था उनको जो सीट कठिन था, जीतने वाला सीट नहीं था, छह सीट चार राम मूर्ति जी को। और बेसिकली ये लोग पॉलिटिशियन तो थे नहीं, संस्था में रहने वाले लोग थे। तो त्रिपुरारी जी ने और अजीत सिंह के भी लोग यहाँ काफ़ी एक्टिव थे, जिसमें उपेंद्र नाथ वर्मा बिहार से थे गया के, वो मंत्री भी थे उस समय में भारत सरकार में, ग्रामीण विकास मंत्री थे। तो अजीत सिंह भी थे, तो सब लोग हमको कहते थे कि अभी चुनाव लड़िए चुनाव लड़िए। तो हमको तो फुलवाड़ी से लोग चाहते थे कि हम चुनाव लड़ें, हम भागते थे कि नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने निर्णय लिया, और लालू जी के यहाँ मेरा आना जाना बहुत होता था, जब नेता विरोधी दल बने ये उस समय भी, बाद में एमपी बने तब भी हमेशा इनसे मेरा संबंध लालू जी के यहाँ वेटनरी में कॉलेज में रहते थे, वेटनरी कॉलेज में अपने भाई के चपरासी क्वार्टर में ही रहते थे, तो वहीं से हम लोग करीब करीब हर दो चार दिन में एक आध घंटा जाके इनके यहाँ बैठ ही रहते थे हम लोग, तो बहुत अच्छे से जानते थे, चेहरे से पहचान भी थी, और हम लोग मेरे बारे में हमेशा ही लोग अच्छा ही बोलते थे, जो रामप्रीत पाल थे, जोगेंद्र जी थे, ये सब लोग वहाँ, जोगेंद्र जी नीतीश कुमार के साथ रहते थे, अच्छा। रामप्रीत पाल जी जो थे लालू जी के यहाँ रहते थे, लेकिन जोगेंद्र जी वहाँ रहते थे, लेकिन दोनों जमात के लोगों से हम लोग मिलते जुलते रहते थे। तो टिकट का बंटवारा हो रहा था दिल्ली में, अखबार में निकला कि मुझे इमामगंज से टिकट दिया गया। अच्छा, आपको पता नहीं था कि मतलब टिकट? उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, हमारी पत्नी खगौल में रेलवे में नर्स थी, बेरोनिका चौधरी रेलवे में नर्स थी, 250-300 रुपया वेतन मिलता था। तो हमारी पत्नी, एक ड्राइवर था देव सुंदर पासवान, वो अखबार लेके आया मेरे पास कि सर तोरा नाम निकल हवा, टिकट मिल हवा है तोरा इमामगंज से। तो हम देखे तो हाँ आ गया, हमको टिकट तो मिला भाई, मिल गया। मतलब वो ड्राइवर अखबार लेके आया, हाँ। उसके बाद आपको पता चला कि अब टिकट मिला है, हाँ। उससे पहले पता नहीं था? नहीं मिला, उसके पहले जानकारी जब अखबार में निकला तब। अच्छा। हमसे लोग कह रहे थे कि तोरा एक बार लड़े ला हवा तैयार रहा तू, तो हम कह रहे थे कि नहीं लड़े लगे, फिर मन बना रहे थे कि चलो अब लड़की जाए, इतना ये है तो कब चांस ले लिया जाए, ये मन में विचार आ गया था। और पार्लियामेंट्री बोर्ड में ये जब प्रस्ताव दिया मेरे नाम का त्रिपुरारी जी ने और आचार्य राममूर्ति ने, तो कोई विरोध भी नहीं हमारा हुआ, यहाँ दो ही ग्रुप विरोध करने वाले थे। एक ग्रुप थे देवीलाल जी के, जो लालू जी वाला ग्रुप था जिसको कहते थे, लालू जी हमको जानते थे इसलिए हमारे समर्थन में चुपचाप रहे, और देवीलाल ये चौधरी चरण सिंह की जमात से अजीत सिंह के ग्रुप से यहाँ वो थे उपेंद्र नाथ वर्मा, वो हमारे पिताजी के मित्र थे, तो वो भी हमारे नाम पर आपत्ति नहीं किया। तो समझिए कि एकदम हमारा अननिमसली हमारे नाम वहाँ से पास हो गया। आया घर पे, सवेरे सोए थे 8 बजे ही आ गया 7-7:30 बजे अखबार लेकर के कि अखबार में आपका नाम निकला है। उस समय हिंदुस्तान अखबार छपने लगी थी यहाँ, और आर्या अखबार अखबार था या कोई इसी याद नहीं पड़ा, हमने देखा फिर पता किया हम कहे अच्छा चलो। तो जब चलने लगे घर से निकलने लगे तैयार होके, तो एक पैसा मेरे पास नहीं था, तो मेरी पत्नी को वेतन मिला था तो पैसा उसके घर में था, 350-400 रुपया, उस समय 125 रुपया लगता था नॉमिनेशन देने, 125 रुपया रिजर्व कंस्टिट्यूंसी के लोगों को, तो 150 रुपया हमारी पत्नी ने मुझे दिया।
तो हमारी पत्नी ने मुझे दिया 150 रुपया, उसी पैसे को लेकर के हम पटना आए। एमएलए फ्लैट में जहाँ जगताऊ रहते थे, नीतीश बाबू रहते थे, उसी जगह पर गए। क्या कि पता हुआ जोगिंदर जी भी वहीं पर रहते थे कि सिंबल वहीं से मिलेगा, सिंबल आ गया था। तो हम गए तो थोड़ा हमको वहाँ तुरंत नहीं मिला, वापस किया गया कि अभी नहीं है, सुबह में 9-10 बजे सब बाद में मिलेगा, लेकिन आपका आ गया है, मिलेगा। फिर वहाँ से हमको, हम चले गए एक आदमी के पास पैसे, एक है प्रवीण शंकर लाल जो मेरे साथ पढ़ता था, बिहार के आईजी हुआ करते थे राजेश्वर लाल, पहले आईजी का एक ही पोस्ट होता था जो अभी डीजी के रूप में है, और आईजी जो उस ज़माने के आईजी थे वो होम गार्ड और बीएमपी सब के एक ही होते थे, अभी तो बहुत अलग अलग सब हो गया है। तो राजेश्वर लाल जी भी चुनाव लड़ने के बाद, रिटायर होने के बाद जरमुंडी से चुनाव लड़े थे वो 80 में, तो उनका मैं चुनाव की देख रेख करता था वहाँ। और उनका बेटा जो था प्रवीण शंकर लाल, जो IAS होकर के रिटायर किया झारखंड से, प्रवीण शंकर लाल जो DC भी था कई जिलों में वहाँ, तो वो जो है सो हमको 5000 रुपया दिया, लाल साहब दिया। तो 5000 रुपये में तो हम राजा हो गए उस समय में, पैसे की कौन कमी थी। 150 पत्नी दी, 5000 रुपया वहाँ से मिला, लेके हम चल दिए, आए यहाँ से सिंबल लिया, सिंबल लेके चल दिया कि चलो अब नमने। अब पहले दुए पन्ना के नॉमिनेशन होता था, अभी इतना ना है, केवल सर्टिफाइड कॉपी चाहिए था, वोटर का सर्टिफाइड कॉपी और कास्ट सर्टिफिकेट, बस दो पन्ने में ही नॉमिनेशन। आज के जैसा नहीं है कि दुनिया भर के पलंजर नॉमिनेशन भरने के लिए एक महीना से तैयारी कीजिए, 20 तरह के सर्टिफिकेट देना है, वो नहीं था पहले। केवल और केवल आप किस कंस्टिट्यूंसी में हैं, आपकी पहचान केवल होनी चाहिए, अगर दूसरे क्षेत्र से लड़ रहे हैं तो जिस कंस्टिट्यूंसी में आपका नाम है उस कंस्टिट्यूंसी में आप से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, दूसरे कंस्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं तब सर्टिफाइड कॉपी देना अनिवार्य है, और साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र अगर दलित है तो, और उसका फॉर्म है भर लेने से हो जाता था। तो मेरे साथ भी वही हाल हुआ, दो पन्ना कागज लिया पॉकेट में रखे या चल दिए, सब लोग दे दिए, सुबोध जी जैसे लोग उस समय साथ थे, सर्टिफाइड कॉपी ला के दे दिए थे तो चले लेकर के। तो वहाँ गए तो फिर वहाँ एक ग्रुप हमारा विरोध भी कर रहा था, बांके बाजार में हम पहले से रहते भी थे, एक ग्रुप विरोध भी कर रहा था लेकिन मेजर ग्रुप हमारे समर्थन में था। उस समय लहर भी थी सर, उसका भी लहर थी, जनता पार्टी की लहर थी जी, जनता पार्टी की। गए नॉमिनेशन भरे, तो नॉमिनेशन भरने के पहले मेरे नाम से एक आदमी और NR कटा के रखे हुए था, तो हमारा पैसा वो नहीं लगा जो लेके गए नॉमिनेशन देने के लिए पैसा, वो पैसा हमको नहीं लगा। अच्छा। वहाँ पर पहले से ही एक आदमी, हमको लगता है राधे श्याम जी थे, माँ के बाजार के हैं, प्रिंसिपल हैं राधे श्याम जी, तो NR कटा के पहले से रखे हुए थे वो, उनको बोल दिए थे उपेंद्रनाथ वर्मा जी, इसलिए वो कटा के रखे हुए थे, खाली हमको जाके देना था, हाजिर होना था, फार्म भर के NR लगा के दोनों कागज लगा के दे दिया, नॉमिनेशन मेरा हो गया। और फिर नॉमिनेशन दे दिया, फिर चल दिए वहीं से, पैदल चल दिए वहाँ। नॉमिनेशन देने के बाद बांके बाजार में रहते थे तो नॉमिनेशन में भारी संख्या में लोग आ गए थे, हजारों लोग आ गए थे, हम बहुत सारे लोगों को नहीं पहचानते थे, अधिकांश लोगों को नहीं पहचानते थे उसमें से, लेकिन सब वहीं से नारा लगने लगा, जनता पार्टी जिंदाबाद। उदय जनता पार्टी या जनता दल, जनता दल होगा, जनता दल है पार्टी अंग्रेजी में हम कह रहे हैं जी, जनता दल जी। चक्कर छाप, तो दो दिन के बाद ही देखे हम, कह रहे कई गांव में अपना अपना बैलगाड़ी का चक, वो जो भील होता है ना बैलगाड़ी का, उसको जरूरत नहीं है कि आप छपा के दीजिए, वो भीले को सब जगह गांव में टांग दिए
ये भी एक मतलब हाँ सिंबल बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया सिंबल था चक्कर छाप का। एक इमामगंज में एक झिकटिया गांव है जहाँ बालेश्वर प्रसाद जी का घर है, उस रास्ते से जब गए तो बालेश्वर बाबू के दरवाजे पर देखा हम जाने के पहले ही, अरे यहाँ तो पहले ही से एगो बैलगाड़ी के टांग के रख दिया है चक्का को, और जिंदाबाद लिखे हुए उसमें कागज से हाथ से लिखा हुआ है जिंदाबाद। तो एक वातावरण बनी और नॉमिनेशन देने के बाद मैं शेरघाटी से बांके बाजार पैदल चल दिया। इससे बहुत ज़बरदस्त एक लोगों में हवा बनी कि अरे भाई ये तो बड़ा कर्मठ हो, दौड़े वाला हो, क्योंकि 12-13 किलोमीटर पैदल चलना मामूली बात नहीं। मैंने वहाँ हम लोग 3 बजे निकले थे, रास्ते में एक जगह खाना खाए चौगाई में, पहले से गांव के लोग बना के रखे थे चावल दाल सब्जी, और फिर दूसरा दम धर के फिर चले गए बांके बाजार, हम लोग पैदल चले गए। तो एक वातावरण बन गया और चारों ओर से हमको चंदा मिला, गरीब अमीर सब लोगों ने। अब तो वो चुनाव नहीं रहा, जिस बाजार में जाते थे जहाँ प्रचार में कुछ नहीं, झोला दे दीजिए इसे जैसे आंचल करते हैं वैसे कपड़ा इसे कर दिया, इसमें 200-400 रुपया 500 रुपया आ गया इसे रखिए, और फिर वहीं पर लोग रहते थे उनको दे देते। एक रामशरण जी थे वहाँ, अब मर गए वो रामशरण बाबू, पुराना सोशलिस्ट थे, उन्हीं का काम था कि बांके बाजार हेड ऑफिस का वो 8 बजे सबको दाल भात तरकारी बना के दे देते थे, सब कोई खा के जा, सारा इंतजाम देखने का उनका काम था। 500 आदमी से कम नहीं खाता होगा वहाँ डेली, कहाँ से पत्तल आवेगा, कहाँ से दाल आवेगा, कहाँ से चावल आवेगा, कहाँ से सब्जी आवेगा, सब जिम्मा उन्हीं का था। मेरा आप टेंशन फ्री थे, एकदम टेंशन फ्री थे। और जो कार्यकर्ता आता था किसान घर का, वो 1-2 किलो अनाज लेके आता था, कोई चावल लेके आ रहा है 10 किलो, कोई 5 किलो, कोई दालें लेके आ गया, कोई क्या घर में है नेनुआ फल तो अपना नेनुए 2 दिन का जुगाड़ करके लेके आ गया, वो कोई बैगने लेके आ गया, कोई कोबी, मैंने आपको सोचना नहीं है। मतलब ये आपकी लोकप्रियता का नतीजा था, आपने काम भी किया था उस क्षेत्र में। हाँ, पहले से लोग जानते थे हमको, लेकिन लोकप्रियता का भी एक है उस, पहले तो सोशल एक्टिविस्ट के रूप में थे ही वहाँ हम लोग जानते थे, लेकिन हमको एक भी कोई टेंशन नहीं था। और उस समय कोई गाड़ी नहीं होती थी चुनाव के लिए, मोटरसाइकिलें से प्रचार कर रहे थे, ये वो बाद में जीप मिला था टूटी ही जीप जो ठेल के स्टार्ट होती थी जान लीजिए, और इतना चंदा आया, इतना चंदा आया कि अंतिम में चुनाव जीतने के बाद 35,000 रुपया हमको बचा था, ये जान रखिए। और उस समय मात्र 52,000 दाम था जीप का, ये जो महिंद्रा का जीप है उसका कीमत था 52,000, तो उसी पैसे से हमने एक सेकेंड हैंड फिर जीप ले लिया था जी। ये पहली बार, यह है राजनीति में प्रवेश करने की मेरी कहानी। और फिर एमएलए बन गए तो एक दूसरा कहानी, बिहार विधानसभा के गेट पर पहचान तो मेरी थी नहीं जी। उस समय में 90 में पटना में सियाराम सिंह एक हुआ करते थे लॉ एंड ऑर्डर के एडीएम, और उन्होंने हमको अनुमंडल बदर किया था। अच्छा, हाँ मतलब जब आप सोशल वर्क गुमला से। अच्छा। हाँ तो और वो वहाँ उस समय एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के रूप में वहाँ फर्स्ट है, जिस दिन विधानसभा का शुरुआत होनी थी उस दिन गए थे। मेरे पास तो कुछ था नहीं, तो हम लगता है रिक्शा से चले गए कि पैदल ही चले गए थे, 2-3 आदमी साथ में, कंधा में झोला टांगे हुए, चप्पल पहने हुए, जो मोटा कुर्ता पहनते थे उसी को, उस समय तो कोई राजनीति का हवे नहीं लगा था, और उस समय सफ़ेद कुर्ता पहनने का मतलब वो अच्छा नहीं समझा जाता था, ये बात है, सोशलिस्ट लोग कभी सफ़ेद कुर्ता नहीं पहनते थे, उसका कारण एक था कि जहीं सोना है कहीं रह जाना है, तो उजला कुर्ता कहाँ तक चलिए, उजला कुर्ता का पहचान था कांग्रेसी लोगों का उस ज़माने में, सोशलिस्ट पार्टी का नहीं, विपक्ष का नहीं पहचान था। कर्पूरी जी को तो हमने आज तक कभी उजला कुर्ता में देखा ही नहीं पहने हुए, उनको हमने
कभी नहीं देखा कर्पूरी ठाकुर जी को जी। जान लीजिए उजला कुर्ता। तो ऐसे ही हम लोगों का खूब मोटा कुर्ता, हाफ कुर्ता और फुल पैंट, मोटा कुर्ता वाला, वो मोटा कपड़ा वाला, वो जो खादी का उसका फुल पैंट बना हुआ, और कांख में लटका के जा रहे थे। तो मैं जाने लगा अंदर विधानसभा के जो मेन गेट है पहले शहीद स्मारक के सामने, वहीं से। तो वहीं पर सियाराम सिंह भी खड़े थे, पुलिस वुलिस तो सो हफ्ता रहती है। तो हम जाने लगे, अंदर चले गए, देखते देखते बड़ी कस के तेज दौड़ाया सियाराम सिंह है वो पुलिस के, अरे अरे देखो देखो कहाँ वो नेक्स्ट लाइट जा रहा है, बुलाओ। तो बुलाया हमको, जबरदस्ती लाया। तो हम मैंने कहा कि नहीं नहीं चलिए साहब, बुला रहे हैं आप वहाँ, तो हमको आना पड़ा। गए तो कहा आप कहाँ चले जा रहे हैं, उसको यकीन ही नहीं था कि मैं MLA हो गया हूँ, विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं MLA बन चुका हूँ। आप कहाँ चले गए, मैंने थोड़ा कड़ी आवाज में कहा कि मैं MLA हूँ। तो कैसे MLA आप हो गए, बताइए कहाँ से हैं, हम बताए। तो कैसे सर्टिफिकेट दिखाइए, तो हमको वहाँ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ा। हम लेके जा रहे थे कि देखिए मेरा सर्टिफिकेट है, मैं MLA हो गया हूँ, सर्टिफिकेट लेके ही गए थे हम, दिखाया। तब हमको अंदर जाने दिया विधानसभा के अंदर। कौन जानता, हम तो कभी कल्पना भी नहीं किए थे उस विधानसभा का मैं अध्यक्ष हो जाऊँगा। ये मतलब एक बहुत बड़ा अनुभव था कि मतलब गेट पे रोक दिया गया। तो मतलब हाँ। आज सर आप को बड़ा अजीब लगता हो। लगता है, लेकिन यही होते रहा है पहले विधानसभा में के में जाना, या पहले DM से मिलना, या सर्किट हाउस में जाना बहुत बड़ी बात होती थी। पटना DM से मिलने के लिए हम कितना घंटों घंटों बैठते थे, RK सिंह से मिलने के लिए, UK सिन्हा से मिलने के लिए पटने के DM से, मुख्तियार सिंह से मिलने के लिए। ये सब पटना के DM रहे हैं, जो अभी RK सिंह मंत्री हैं, सो जी जी जो आरा से MP हैं, इनसे मिलने के लिए मैं घंटों घंटों बैठा हूँ उस जमाने में। कई घटनाएं थी उस समय की। सर एक सवाल ये भी बनता है कि जब आप को रोक दिया गया, फिर वो उन्होंने जाना एक कि आप MLA हो गए हैं और अब आप सदन के अंदर हैं, तो उनका तो नज़रिया बदल गया होगा तुरंत में आपके प्रति। हाँ, बाद में कैसा रहा उनका? भाई बहुत अच्छा, ठीक है आप जाइए, बहुत मुलायम होगा, पोलाइट होगा वो, फिर जाने दिया उन्होंने, कहीं कोई हमको फिर वो दिक्कत नहीं हो गए। फिर लोगों ने पहचान भी बन जाती है ना विधानसभा में भी लोग बहुत जल्दी पहचान। उस समय अभी का विधानसभा नहीं था, उस समय 318 का विधानसभा था, बिहार झारखंड दोनों का। हाँ, दोनों मिला करके 318 या 324 324 हाँ 324 सदस्य की विधानसभा थी उस समय में। और सब लोग एक दूसरे पहचानते थे, जो MLA होते थे वहाँ के कर्मचारी और सब लोग करीब करीब सबको पहचानते थे वो लोग। और आपने नाम भी ले लिया DM का, तो RK सिंह के समय बड़ा स्ट्रॉन्ग, हम तारीफ करते हैं। हाँ, उस तरह का आदमी बहुत कम। सर सीताराम सिंह जिन्होंने आपको रोका था, फिर मुलाकात, सियाराम सिंह जिन्होंने आपको रोका था, फिर मुलाकात हुई कि नहीं कभी? बहुत बार मुलाकात, वो तो कमिश्नर भी हो गए थे यहाँ से, पलामू के कमिश्नर भी रहे कुछ दिनों तक, फिर दुमका के कमिश्नर रहे, रिटायर कर गए हैं अब वो, कहीं मिले। वो तो यही तो डेमोक्रेसी है जी जी जी, यही तो ड्यूटी कर रहे थे। हाँ, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इस तरह से कई अफसर उस समय थे मेरे साथ, जो हमको उनसे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। और एक समय भी आया कि उन लोगों को मेरे लिए इंतजार करना पड़ा। जी जी, यह है डेमोक्रेसी, यह है जनतंत्र, यह है लोकतंत्र, यह है भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो बनाया, जो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, कभी उम्मीद नहीं थी हमारी, जो इतना खूबसूरत है। हाँ, इतनी खूबसूरत, और हमको ये अवसर मिलेगा ये मैं कभी सोचने भी नहीं सोचा था। मैं मंत्री बनने की बात कभी नहीं सोचा था। जिस मंत्री के यहाँ हम दिन भर बैठे रहते थे मिलने के लिए, जीतनराम मांझी के यहाँ, स्टेट मिनिस्टर थे 88 में ही, भूमि सुधार मंत्री थे, इनको ले जाने के लिए मैं
इनसे कई बार आग्रह किया, तो बिहार में सबसे पहले शबरी मेला मुसहरों का मैंने लगाया जी। और जीतन राम मांझी जी ने जिम्मा लिया कि हम गवर्नर के लिए चलो हुआ मीटिंग में, और उस समय व्यंकट सुबैया यहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे, इन्होंने अपने पैड पर लिख करके समय लिया भी, और ग्राउंड हमको तैयार करके वहाँ रखना था, सभी जगहों से लोगों को बुलाना और सब तैयारी करना सबरी मेला का। हमने पूरी मुस्तैदी के साथ किया। पुनपुन नदी के किनारे सकरेचा गांव है, उसके सामने एक बड़ा फील्ड, तो मेरी ये धारणा थी कि लोग आएंगे तो पानी चाहिए, लोगों को पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, तो पुनपुन नदी में पानी है, ये है, वहीं नहाएगा वहीं ले लेगा। अब आसपास सर्व दलित लोगों की बस्ती, काफ़ी मुसलमानों की बस्ती उसमें, सब लोग इस दृष्टिकोण से उसमें हमको सहयोग किया था चंदेश्वर प्रसाद सिन्हा, सीपी सिन्हा, जो कुशवाहा महासंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी MLC भी नीतीश कुमार जी ने उनको बनाया था बिहार विधान परिषद के, तो कुशवाहा के पुराने नेताओं में से वो थे बाद में संसद, तो वही उन्होंने भी हमको काफ़ी उस समय वो राजनीति करते थे लेकिन नौकरी भी करते थे, सेंट्रल बैंक CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करते थे वो, तो वो भी हमको सबरी मेला के आयोजन में काफ़ी मदद किए थे सब लोग। और अंत में गवर्नर साहब नहीं आए थे वेंकट सुबैया, तो जीतनराम मांझी ही गए थे रात में, वहाँ सामूहिक शादी कराने का काम किया, गीत नाटक सब वहाँ हुआ, पूरा चला 2 दिन वहाँ वो कार्यक्रम, लोग देखने के लिए भी दूर दूर से आते थे कि कैसे लोग जुटा है, ऐसा भी हो सकता है क्या, अकल्पनीय। पहली बार दलितों मुसहरों का जमावड़ा सबरी मेला का आयोजन मैंने किया, और उसके उद्घाटनकर्ता के रूप में मैं ले गया था इनको, क्या पाइए, जीतनराम मांझी को जी। जब गवर्नर नहीं आए तब ये था, तो हम तो कल्पना से बाहर थी हमारी बात, ये सब मंत्री बनना MLA बनना हमारे सोच में कहाँ, कल्पना में था ही नहीं, दूर दूर तक नहीं थी, हम सोच भी नहीं सकते थे। और जब पढ़ते थे उस समय तो और नहीं था, उस समय तो हम कहीं नौकरी उकरी करने के चक्कर में थे कि नौकरी मिल जाए, फिर समाज सेवा, फिर नहीं, फिलिप मंथरा का ही कमाल है, बाढ़ में हमको फादर फिलिप मंथरा जी, जो संजीवीर स्कूल के वाइस प्रिंसिपल थे, वो हाँ पिछली बार आपको बताए थे, हमको ले आए खींच खाँच के, मेरे मनोबल को उसने बहुत ऊँचा किया, बढ़ाया, हम उनको कहें कि इस इतनी दूरी तक पहुँचाने में उनकी बड़ी भूमिका है, हमारे जीवन को सुधारने में बनाने में उनकी भी एक भूमिका है जी। ये चूँकि हमेशा वो हमको दो काम जरूर करते थे, कुछ जाने पर हमको खिलाते भी थे, और उनके पॉकेट में पैसा होता था 5 रुपया 10 रुपया कुछ भी जो होता था एक लिफाफा भी वो हमको चुपचाप दे देते थे, बहुत बड़ी बात थी उस समय मेरे लिए जी। और एक बात कहते थे, तुम सर भावुक हो गए आप, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं उस गरीबी की, उस समय की और परिस्थिति की। आप रिलैक्स हो जाइए सर, आंख में आंसू आ गए आपके। हो गया ठीक है, वो हो जाएगा। हम जितनी भी प्रशंसा करेंगे फिलिप मंथरा की, वो थोड़ी होगी। वो हमको उस जमाने में कहते थे
कि तुम में लीडरशिप की क्वालिटी है, तुमको बड़ा आदमी बनना है। क्या पारखी से हो? और यही कारण है कि मैं उनके प्रति एकदम नतमस्तक रहता हूं। चूंकि उस जमाने में कोई आपकी प्रशंसा करने वाला इस तरह से नहीं मिलता था। जी, उन्होंने मुझसे हमारी भेंट कराया था। आर एस तिवारी जो यहाँ के डीएम उस समय हुआ करते थे। ये घटना है 1980 के आसपास की। उससे सब जगह उस सब लोगों से मेरी प्रशंसा वो करते थे, बहुत अच्छा लड़का है, इसको मदद कीजिए, इसको एक दिन बड़ा आदमी बनना है। तो इस तरह राजनीति में आपकी एंट्री होगी? हाँ, एंट्री तो एक क्रम है, धीरे धीरे करके एक जगह पर आ गए। और फिर जब मैं एमएलए बना, तो एमएलए बनने के बाद मुख्यमंत्री का यहाँ चुनाव हो रहा था, ये भी मैं आपको जोड़ ही दूँ। टिकट हमको दिलवाए थे आचार्य राममूर्ति जी बीपी सिंह के कैंप से, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री बनाने में गुटबंदी चलने लगी और बीपी सिंह के कैंप से रामसुंदर दास को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे लोग। और पता नहीं क्यों, शुरू से हमारा लगाव था लालू जी से। हमको सब लोगों ने फोन किया और कहा, त्रिपुरारी जी ने, राममूर्ति जी ने, कि रामसुंदर दास के वोट दो। लेकिन हम रामसुंदर दास जी के खेमे में कभी नहीं गए। जिस दिन मैंने शपथ लिया है एमएलए का, उसी दिन से ही जब जीते हम लालू यादव जी के साथ चले गए और बढ़ चढ़ के एमएलए फ्लैट में लालू जी ने जुलूस निकाला, उस जुलूस में भी मैं साथ हुआ विधायकों के साथ। जहाँ कहीं भी कोई बात हुई तो मैं लालू जी के साथ रहा, एकदम मुस्तैदी के साथ, मैंने कोई हिल डोल नहीं। कितना भी लोगों ने हमको कहा कि रामसुंदर दास, हम कि ना, ये गरीबों की आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति हैं और वो प्रतिनिधित्व उनका कर रहे थे, उनके तरफ से सत्येंद्र नारायण सिंह वगैरह उनके पक्ष में थे रामसुंदर दास के, इसलिए और भी मैं उस उधर से मैं इधर था, मैं उधर नहीं जा रहा था। रघुनाथ झा को भी लोगों ने खड़ा कराया था जिधर। तो हमने ब्रजकिशोर मेमोरियल हॉल है कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल के बगल में, जहाँ विधायक दल की मीटिंग हुई थी, 300 जो जनता दल के विधायक थे उन सब की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में सबके सामने, और उस मीटिंग में मंच पर बैठे थे अजीत सिंह, उपेंद्रनाथ वर्मा, शरद यादव उस समय थे सब, और शरद यादव लालू जी के पक्ष में थे कि इसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो एक बक्सा, वोट देने के लिए एक बक्सा रखा गया, एक कि उसमें आप नाम लिख के डाल दीजिए। तो राम सुंदर दास को जो नाम था, राम सुंदर दास 3 शब्द था, और इनका भी, रघुनाथ झा का भी नाम था रघुनाथ, लंबा हो गया झा, तो पता चल जाता था ठीक से कलम चलते समय लोग ध्यान से देखे तो कि किसको किसके पक्ष में दे रहा था वोट। और सबसे छोटा नाम था लालू प्रसाद, लालू प्रसाद 2 शब्द था। इसलिए तो मैं उसी समय लालू प्रसाद लिखा भी और सीधे जाकर के, सब लोग बैठे थे मंच पर, लेकिन शरद यादव जी को मैंने जाके प्रणाम किया, तो शरद यादव ने हाथ बढ़ा दिए, हाथ मिलाने के लिए हाथ मिला है और फिर बोलते कि आ गया। मैंने ये स्टेट था कि इसने, हाँ, आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं और लालू जी को हमने वोट दिया, यह स्पष्ट था। और हमको ये पहचान कराना था, चूंकि मेरे ऊपर दूसरा भी छाप था।
जी, इसलिए कि हम दे रहे हैं लालू जी को वोट, तो ये हमने वहाँ क्लियर कर लिया। नतीजा हुआ, जब कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ तो लालू जी ने हमको मंत्री बना दिया, कैबिनेट मिनिस्टर। पहली बार एमएलए, पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर कारा का। यह है राजनीतिक प्रवेश की कहानी। और फिर उसके बाद से मेरी बढ़ोतरी होती ही गई राजनीति में। तो इस तरह बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी का राजनीति में एंट्री हुई। और आपने सुना कितना उतार चढ़ाव भरा ये सफ़र रहा, ये जिस तरह से अपने गुरु को याद करके भावुक हुए आपने देखा। तो व्यक्ति शून्य से शिखर तक इसी तरह पहुंचता है, और उसके लिए जो है कड़ी मेहनत और तपस्या संघर्ष करनी होती है। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।